हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कितने तरह के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, सो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो कि पॉसिबल है, हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, और सभी ग्राफ के बारे में हम लोग को बताना है कि उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, मीन्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हुए ये बताना है कि उस केस में वेलोसिटी क्या है। ठीक है, सो अगर वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सो एक्सीलरेशन हमारे पास कैसा होगा, ये हम लोग को इस वीडियो में देखना है। ओके, सो सबसे पहले केस में आते हैं। सो बच्चों यहां पर देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, लेट से दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, इस तरह से। ठीक है, टाइम इज इंक्रीजिंग ऑन द एक्स एक्सिस टाइम है और वाई एक्सिस पर क्या है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, हमने लिख दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, सो देखो टाइम इज इंक्रीजिंग बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग। इस टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला है, इस टाइम के लिए ये है, इसके लिए भी यही है, सेम पोजिशन पर पार्टिकल रुका हुआ है। ठीक है, सो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट अगर बोलोगे, सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कहां पर है, मान लीजिए इस पोजीशन पे है, लेट से दिस पोजीशन इज एक्स। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमने मेजर किया कि पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स मीटर पर है, एक्स मीटर पर प्लेस्ड है। ठीक है, और टाइम बीत रहा है बट उसका एक्स का एक्स ही है, वो एक्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, कब नहीं चेंज होगा, जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है बच्चों, जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा। सो अब देखो बच्चों, जब वेलोसिटी जीरो है सो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, स्लोप ऑफ ST ग्राफ या कर्व क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, और स्लोप क्या है बच्चों, इसमें जीरो है, दिस लाइन इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, पैरेलल टू टी एक्सिस, टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना, ये लाइन इस एक्सिस का पैरेलल है। सो इसका एंगल क्या है, मान लीजिए अगर एक्स है, दिस इज वाई, सो दिस लाइन इज पैरेलल, सो इसका एंगल एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो है, थीटा जीरो डिग्री है। सो थीटा जीरो डिग्री है, सो स्लोप क्या होता है, इट इज एम इक्वल टू टेन थीटा, स्ट्रेट लाइन के केस में, सो इट इज टेन जीरो डिग्री, सो इट इज जीरो, टेन जीरो का वैल्यू जीरो, सो स्लोप जीरो हो गया। और स्लोप ऑफ एसटी कर्व नोट करते चलिएगा, पहले के वीडियोस में हम बताए हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो उसमें हमने डिस्कस किया है वो मोशन से रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज व्हाट, वेलोसिटी। सो इस केस में क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी कितना आ गया बच्चों इस केस में, जीरो। ठीक है, इस केस में वेलोसिटी जीरो हो गया, और स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ds/dt। अगर वेरिएबल एक्स रहेगा, वाई रहेगा, इसका प्लॉटिंग रहेगा, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पे एक्स लिया आपने, वाई पर वाई, सो इसका स्लोप क्या होता है, dy/dx, दिस इज द स्लोप। ठीक है, विच इज टेन थीटा, सो टेन थीटा का वैल्यू इस केस में क्या आ गया, थीटा इज जीरो डिग्री, सो टेन जीरो डिग्री इज जीरो, सो dy/dx इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इट इज इक्वल टू टेन थीटा, सो इट इज जीरो, टेन जीरो इज जीरो, इसका मतलब स्लोप क्या आ गया हमारे पास, ds/dt जीरो, और ds/dt क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, सो इस केस में वेलोसिटी बच्चों जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, और वेलोसिटी जीरो होने के कारण डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, जहां है वही है। ठीक है, सो फर्स्ट ग्राफ से यह इंफॉर्मेशन हम लोग को निकल के आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड ग्राफ में आते हैं, तो सेकेंड ग्राफ में देखो बच्चों, सेम है, एसटी कर्व है ना, और देखो इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना बच्चों, टाइम बढ़ रहा है, उस तरह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम, करेक्ट है। उसके बाद इस लाइन का स्लोप देखिए, सो किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आइएगा, सो एंगल वही है, यहां पर भी एंगल यही है, एंगल इज ऑलवेज सेम, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है ना, सो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक ही बार कट करता है। ठीक है,
सो एक ही बार कट कर रहा है, सो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होगा, एक ही होगा। सो इस केस में एंगल नेट सेट इज थीटा, थीटा एंगल है। सो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा ना, ठीक है, और स्लोप इज व्हाट, डीएस बाई डीटी, सो इट इज टेन थीटा। और ये क्या है, थीटा इज कॉन्स्टेंट ना, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है मोशन में, सो ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। और डीएस बाई डीटी क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ना, सो इसका मतलब वेलोसिटी इस केस में कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहां तो वेलोसिटी जीरो था, इसलिए एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई होगा, ठीक है, सवाल ही नहीं है, सोचना ही सोचना ही नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए डीएस बाई डीटी कॉन्स्टेंट है, इस लाइन का स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वॉट, वेलोसिटी, सो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। सो वेलोसिटी जब कॉन्स्टेंट हो गया, सो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डीटी, है ना। सो वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट है, सो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जीरो होगा, है। और एक्सेलरेशन जीरो है तभी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, है ना। हम वीडियो में बताया हुआ है यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसमें क्या केस में क्या था, मोशन है ही नहीं, नो मोशन, ऑब्जेक्ट जो है मोशन में नहीं है, नो मोशन, यहां पर यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। अब इसमें आते हैं, देखिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, पहले S1 था, S2 हो गया, S3 हो गया, सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो कभी निगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया, उसके बाद कैसा है, ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक नेचर का है, है ना, कर्व है, ठीक है। सो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डीएस बाई डीटी, इस कर्व का, एस टी कर्व का स्लोप डीएस बाई डीटी, है ना। और स्लोप क्या होता है, दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, जो टेंजेंट जो है, सॉरी टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका टेन, ठीक है, टेन थीटा। सो स्लोप क्या होगा इस केस में, देखो मान लो इस पॉइंट पर आओ, सो टेंजेंट इज दिस वन, इस पॉइंट पर आओगे टेंजेंट इज दिस वन, इस पॉइंट पर आओगे टेंजेंट इज दिस वन, इस पॉइंट पर आओगे टेंजेंट इज दिस वन। कहने का मतलब है थीटा क्या हो रहा है, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, देन थीटा फोर, इस तरह से अगर मानोगे, सो थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ना, ठीक है। सो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है ना। सो स्लोप, स्लोप इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ना, थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा बढ़ेगा, और डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है, टेन थीटा होता है। सो इस केस में डीएस बाई डीटी क्या होगा, टेन थीटा होगा, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, ठीक है। और टेन थीटा क्या है, डीएस बाई डीटी इस केस में वेलोसिटी है, सो इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वेलोसिटी इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, सो डीएस बाई डीटी इज वेलोसिटी एंड भी इंक्रीजिंग, ये इंफॉर्मेशन इससे निकल के आ रहा है कि इसमें वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग है, ठीक है। सो वेलोसिटी इंक्रीजिंग कब होगा बच्चों, जब उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ठीक है। सो अगर उसमें एक्सेलरेशन है सो क्या होगा, वो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी, ठीक है। सो ए टी प्रोडक्ट जो है ये हमेशा इनिशियल वेलोसिटी में एड होता चला जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो यहां पर यही हो रहा है ना, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, व्हाई, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसमें, ठीक है, ओके। और कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो ग्राफ कन्वर्जन जो है एसटी का बीटी में, बीटी का एटी में, ये हम बताया कर रहे वीडियो में। सो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, एसटी कर्व, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, है ना। और ये कैसे केस में है, देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एस इक्वल टू जीरो से, है ना, इसका इनिशियल पोजिशन जीरो है, ठीक है बच्चों, ओके। देन इसमें आइए बच्चों, इसमें देखिए एसटी, सो देखो इसमें क्या है, अगेन टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हा? लेकिन स्लोप इसका देखिएगा, इस पॉइंट पर स्लोप ये है, इस पॉइंट पर स्लोप, मान लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस, सो ये है, इस पॉइंट पर स्लोप इस तरह से। सो स्लोप क्या हो रहा है, टेंजेंट का धीरे धीरे घट रहा है, पहले देखो ज्यादा एंगल था,
फिर कम हो गया और कम हो गया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाओगे कम होता जा रहा है, स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है। सो यहां पर लिख देते हैं स्लोप, स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप क्या है बच्चों? डिक्रीजिंग है, ठीक है। सो स्लोप डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो गया? डीएस बाई डी टी इस केस में निगेटिव है, सो मीन्स इट इज माइनस वी, ठीक है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी घट रहा है, सो माइनस बी इसको मत बोलो, ये बोल सकते हैं जहां वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है, वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। सो डीएस बाई डी टी इसका क्या आएगा? वेलोसिटी होगा बी, ठीक है। और बी क्या बोलेंगे हम लोग इस केस में? बी इज डिक्रीजिंग। बी क्या है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तभी उसका स्लोप जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। सो बी डिक्रीजिंग कब होगा? इनिशियल वेलोसिटी मान लो मेरा 100 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, फिर वो 80 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से हो गया, मीन्स घट रहा है। क्यों घट रहा है? उसमें डी एक्सलेशन होगा, ऑब्जेक्ट में डी एक्सलेशन होगा, रिटार्डेशन मोशन होगा, रिटार्डिंग मोशन होगा, है ना। सो रिटार्डिंग मोशन में क्या होता है? निगेटिव एक्सलेशन। सो इस केस में भी डिक्रीजिंग है, सो एक्सलेशन क्या हो गया? एक्सलरेशन निगेटिव, निगेटिव, ए निगेटिव है, बी डिक्रीजिंग है, ए निगेटिव है। इस केस में ए पॉजिटिव था, बी इंक्रीजिंग था। सो देख लीजिए, अगर इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक है, एसटी ग्राफ उसका ऐसा होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग भी होगा, सो एसटी ग्राफ उसका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और दोनों ही नेचर क्या है? पैराबोलिक है, हमने डिस्कस किया हुआ वीडियोज में, ठीक है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, देन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हमने ये बताया हुआ है। सो निगेटिव एक्सलेशन, ओके। अब इसमें आइए बच्चों, देखिए एक ही टाइम पर, लेट्स से दिस टाइम इज टी1, इस टाइम पर देखिए डिस्टेंस इसका बढ़ता जा रहा है, एकदम बढ़ता जा रहा है, सडन बढ़ रहा है, टाइम नहीं बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, टाइम इज नॉट इंक्रीजिंग बट डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। और स्लोप देखिए इसका, ये 90 डिग्री एंगल है, सो इस केस में डीएस बाई डी टी क्या होगा? 10 थीटा, दैट मीन्स 10-90 डिग्री, सो 10-90 डिग्री इन्फिनिटी, ठीक है। सो डीएस बाई डी टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज डीएस बाई डी टी, दैट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या हो गया? इन्फाइनाइट है। सो वेलोसिटी क्या इन्फाइनाइट पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। सो ये ग्राफ तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यहां पर आ जाइए, देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है बच्चों, T1, T2, T3 है ना। सो देखो, अगर T1 पर S1 था, T2 पर S2 है, T3 टाइम पर अगर मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट S3 है, सो टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मान लो हम ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में बोले कि इनिशियली 100 मीटर पे था, वो रिवर्स डायरेक्शन में ऑरिजिन की तरफ ही आना स्टार्ट हो गया, सो क्या होगा? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, घटना स्टार्ट हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट घटेगा क्योंकि नजदीक आ रहा है। सो ये पॉसिबल है, कर्व करेक्ट है। सो एंगल देखिए इस केस में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, सो थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, सो इसमें 10 थीटा इक्वल टू 10-90 डिग्री, ग्रेटर देन 10-90 डिग्री, ठीक है, 10-90 डिग्री से बड़ा है ना ये, ठीक है। सो 10 थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो 10 थीटा क्या हो गया इस केस में? निगेटिव, ठीक है। सो स्लोप इसका निगेटिव है, ओके। और स्लोप क्या है थ्रू आउट? मान लो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यही स्ट्रेट लाइन आएगा, इस पॉइंट पे यही आएगा, इस पॉइंट पर भी यही स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। सो एक ही एंगल है, यहां पर एंगल चेंज हो रहा था, एंगल चेंज हो रहा था, हर पॉइंट पर जो टेंजेंट था उस टेंजेंट का एंगल चेंज होता जा रहा है, लेकिन इसमें एक ही टेंजेंट पॉसिबल है और वो यही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो उसका एंगल भी एक ही है, सो 10 थीटा इस केस में हमेशा कॉन्स्टेंट है बट निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। सो इसका मतलब डीएस बाई डी टी क्या हो गया इस केस में? डीएस बाई डी टी इज वॉट? निगेटिव। डीएस बाई डी टी इज निगेटिव इस केस में, डीएस बाई डी टी तो 10 थीटा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो इट इज निगेटिव। सो निगेटिव है डीएस बाई डी टी, इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इस केस में डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है वेलोसिटी डीएस बाई डी टी, नहीं डिक्रीजिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो डीएस बाई डी टी तो निगेटिव है बट क्या है? कॉन्स्टेंट है ना, डीएस बाई डी टी इज निगेटिव बट इट इज कॉन्स्टेंट, समझिए इसको, डीएस बाई डी टी इज निगेटिव बट इट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो वेलोसिटी डिक्रीजिंग नहीं है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग उस केस में था,
सो इसमें ds by dt tan theta नेगेटिव है, याद रखिए tan theta नेगेटिव है, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव, ds by dt इज नेगेटिव, एंड ds by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेलोसिटी, सो इस केस में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है, बट कॉन्स्टेंट है, सो नेगेटिव वेलोसिटी कब होगा बताओ, जब उसमें एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन होगा इस केस में बताओ, नेगेटिव वेलोसिटी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है ना, नेगेटिव है तो क्या हुआ, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, ये नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो एक्सलेशन इस केस में भी जीरो है, ठीक है। कभी भी एस टी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है ना, सो इसका मतलब वेलोसिटी उसमें कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हाँ, निगेटिव वेलोसिटी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि इस केस में पॉजिटिव वेलोसिटी है ना, ये निगेटिव वेलोसिटी है, बट निगेटिव में भी कॉन्स्टेंट है, तो जब कॉन्स्टेंट है सो डीवी बाई डीटी एक्सलेशन क्या होगा, जीरो होगा, सो इस केस में एक्सलेशन जीरो हो गया, सो यहां लिख देते हैं एक्सलेशन इक्वल टू जीरो, और इसका वैल्यू होता है डीवी बाई डीटी, सो वेलोसिटी आ गया आपका कॉन्स्टेंट, निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सो एक्सलेशन जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखो बच्चों, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का है ना, वो निगेटिव साइड में, निगेटिव एस में है, ठीक है, सो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट हो रहा है, पार्टिकल उस साइड में रहता है, राइट साइड में, तो पॉजिटिव एक्स, निगेटिव साइड में निगेटिव एक्स, ठीक है। सो क्या हो रहा है इसका, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो घटता जा रहा है, ठीक है, टाइम के साथ हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, बट कैसा चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इसमें भी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है, इसमें टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसमें टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, बट वेलोसिटी इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, सो इसमें एक्सलेशन पॉजिटिव है, इसमें एक्सलेशन निगेटिव है, यहां पर भी एक्सलेशन जीरो है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट निगेटिव है, यहां पर वेलोसिटी क्या है बच्चों, अगेन स्लोप क्या है, निगेटिव है ना, कैसे देखो, कहीं भी अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन जो है क्या बना रहा है, दिस एंगल ना, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है, सो tan थीटा इज अगेन हियर निगेटिव, सो tan थीटा निगेटिव है, इस केस में भी ds by dt क्या हो गया, इट इज निगेटिव है, सो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है इस केस में, वेलोसिटी इज निगेटिव, इस केस में वेलोसिटी निगेटिव है, बट कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सो वेलोसिटी इज निगेटिव बट कॉन्स्टेंट है, निगेटिव बट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा इस केस में, एक्सलेशन इज डीवी बाई डीटी ना, ठीक है, सो डीएस बाई डीटी निगेटिव वैल्यू, कॉन्स्टेंट क्योंकि एंगल हमेशा सेम है, सो एक्सलेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, सो क्या क्या इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो यहां पर जो वैल्यू है, अगर बोलेंगे इट इज -2, सो यहां पर वैल्यू अगर बोलेंगे -4, सो -4 इज लेस देन -2, सो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, ठीक है, स्लोप कॉन्स्टेंट है सो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, स्लोप निगेटिव है सो वेलोसिटी निगेटिव है, बट वेलोसिटी चूंकि कॉन्स्टेंट है, निगेटिव कॉन्स्टेंट है, सो एक्सलेशन इस केस में भी जीरो है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए बच्चों, सो यहां पर देखो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इस केस में निगेटिव था ना, इस पॉइंट पर, यहां पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज, देखो ये वाला इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ऑरिजिन यहां है टी इक्वल टू जीरो, सो टी इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है ना, पॉजिटिव वाई वैल्यू है, सो टी इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना बच्चों, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग, क्लियर है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिक्रीजिंग, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग है, ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग था, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग है, बट यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखो टाइम के साथ कर्व नीचे आ रहा ना, स्लोप आगे क्या है इसका, देखो स्लोप थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, ठीक है, सो एस इज डिक्रीजिंग, यहां पर एस क्या है, डिक्रीजिंग है, सो डीएस बाई डीटी क्या हो गया, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, सो स्लोप क्या है, टेन थीटा, सो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो टेन
थीटा का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, सो डीएस बाई डीटी इस केस में निगेटिव है, सो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी इज निगेटिव, निगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। बट एक्सलरेशन जीरो है, क्यों, क्योंकि अगेन स्ट्रेट लाइन है, एंगल इज नॉट चेंजिंग, यहां पर देखो टेंजेंट का एंगल चेंज हो रहा था, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे से एंगल एक ही होगा, वही स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा, ठीक है। सो डीएस बाई डीटी जो स्लोप है उसका कॉन्स्टेंट है बट निगेटिव है, सो निगेटिव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बट एक्सलेशन इज जीरो, इस केस में एक्सलेशन क्या हो गया, इट इज डीवी बाई डीटी, सो इट इज जीरो, एक्सलेशन इज जीरो, क्लियर है बच्चों। अब इस केस में आप देखो इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट ये है, ये एस इनिशियल है, दिस इज, उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, देखो एस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, एस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, सो अगेन एस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, हेयर नोट कीजिएगा, विथ टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट इज दिस वन, बट स्लोप की अगर बात करोगे तो अगेन स्ट्रेट लाइन है, सो स्लोप विथ टी एक्सिस, टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, थीटा इज कॉन्स्टेंट, सो अगेन यहां पर डीएस बाई डी टी डेट इज टेन थीटा, सो क्या है ये एक्यूट एंगल है ना, देखो थीटा क्या 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा था या 90 डिग्री से कम है, सो टेन थीटा, सो इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आएगा टेन थीटा का, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है यहां पर, वी इज कॉन्स्टेंट हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, वेलोसिटी क्या होगा इस केस में, कॉन्स्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सलेशन डीवी बाई डी टी, सो इट इज जीरो, एक्सलेशन इज जीरो, सो इस कर्व से, इस ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है कि इसमें टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है क्योंकि एंगल कॉन्स्टेंट है, स्लोप कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और एंगल चूंकि एक्यूट है, टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, सो स्लोप इस केस में डीएस बाई डी टी क्या होगा, दिस इज डीवाई बाई डी टी, डीवाई बाई डी एस टेन थीटा, सो डीएस बाई डी टी इस केस में पॉजिटिव आएगा, सो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट पॉजिटिव होगा और एक्सलेशन डीवी बाई डी टी जीरो होगा, क्लियर है स्ट्रेट लाइन। जब तक कर्व नहीं आएगा, टर्निंग नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा, उस केस में एक्सलेशन एसटी कर्व में नहीं होगा, ठीक है, है ना। अब इसमें आइए बच्चों, सो इसमें देखो क्या हो रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल इस पोजिशन पर है, सो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है, ठीक है। उसके बाद एंगल विथ एक्स एक्सिस, सो इट इज थीटा विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। फर्दर ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, सो डीएस बाई डी टी इस केस में भी क्या हो गया, इट इज टेन थीटा, सो इट इज पॉजिटिव, है ना, और पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है डीएस बाई डी टी, स्लोप इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या हो गया, बी इज डीएस बाई डी टी, सो इट इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, सो एक्सलेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो इट इज जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, ठीक है। सो वेलोसिटी इस केस में क्या हो गया, कॉन्स्टेंट और एक्सलेशन जीरो, ठीक है। सो ये सारा इंफॉर्मेशन है जो इस ग्राफ से हमें मिलता है, ठीक है, और जो सीखने लायक है। आई होप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी कॉन्सेप्ट्स है, कितना तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है जो हमने ड्रॉ किया है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी में बच्चों एक छोटा सा चीज हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन बच्चों हम लिख रहे हैं मोशन का ही है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसमें हम मान लेते हैं, इफ यहां पर लिख देते हैं, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ऐसा होगा ना, इफ यू इक्वल टू जीरो होगा, सो इस केस में क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। सो देखो दोनों का ही ग्राफ प्लॉट करोगे तो पैराबोला आएगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लिए हमने वीडियो बनाया है, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल ग्राफ्स है ना, उसमें पैराबोला के बारे में भी हमने बताया कैसे प्लॉट करना है, सो ये पैराबोला है, ठीक है। सो अगर टाइम एक्सिस लोगे यहां पर, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस यहां लोगे, ठीक है, सो दिस इज व्हाट टी इज, सॉरी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस, है ना। सो ये क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट, ये कर्व कैसा होगा, पैराबोला होगा, नेचर का पैराबोला होगा, पैराबोलिक कर्व होगा, और सिमेट्रिकल अबाउट,
सिमेट्रिकल अबाउट एस एक्सिस होगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये स्टार्ट कहां से होगा देख लीजिए, इस तरह से। ओके, अब देखो बच्चों, ये वाला जो प्लॉट है ये भी पैराबोलिक नेचर का ही है, इसका भी प्लॉट ऐसे ही आएगा, टी है, एस है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है टाइम में, ठीक है। सो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सो ये भी ऐसे ही आएगा, क्लियर है। बट बच्चों अगर दोनों को एक ही प्लॉटिंग में दिखाना हो, सो दोनों क्या सेम कर्व होगा, इसी के ऊपर ये भी आएगा नहीं आएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा देखो, इस केस में आइए, इसका स्लोप निकालिए, इस पर जो टेंजेंट होगा इसका स्लोप निकालिए, सो इसमें डीएस बाई डीटी का वैल्यू देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी आएगा। सो इस केस में देखो, ये हाफ हो गया, ए ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हो जाएगा, सो इट इज 80, तो इसका मतलब वेलोसिटी इसमें 80 आ गया, ठीक है, वेलोसिटी इज 80। सो इस केस में एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन क्या है, ए है, और वेलोसिटी 80 है, क्लियर है। इसमें भी एक्सेलरेशन ए ही है, बट देखो इसका वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, सी डीएस बाई डीटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे देखो ये टी डीटी बाई डीटी हो जाएगा, सो वन होगा, सो इट इज यू ओनली, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यही आएगा 80। सो इसका मतलब ये कर्व क्या हो गया, वी इक्वल टू यू प्लस 80 है ना, और वी क्या है, इट इज स्लोप है ना, ये डीएस बाई डीटी क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पैराबोला, मीन्स इस पैराबोला पे अगर स्लोप ड्रॉ करोगे टेंजेंट का, ठीक है। सो मान लो ये है, दिस इज लेट्स से इट इज थीटा, थीटा वन, और इसमें अगर ड्रॉ करेंगे सेम टाइम के लिए, लेट्स से दिस टाइम इज टी वन, ठीक है, और यहां पर सेम टाइम के लिए जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना टी वन के लिए, लेट्स से दिस स्लोप इज थीटा टू। सो ध्यान देना बच्चों, यहां पर जो स्लोप है थीटा टू सेम टाइम के लिए, याद कर लीजिए, फॉर सेम टी इन बोथ द कर्व, टेन थीटा टू, ये वाला, ये किसके लिए है, इसके लिए है ना, इसके लिए है। सो इसका स्लोप तो देखो 80 है, इसका स्लोप यू प्लस 80 है, सो ज्यादा कौन है, ज्यादा ये वाला है ना, सो इसका मतलब ये टेन थीटा वन बिगर होगा, ठीक है। सो टेन थीटा टू इज लेस देन टेन थीटा वन, याद रखिए, ठीक है। सो इस कर्व का स्लोप मीन्स एस इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर का जो स्लोप होगा ना वो इससे कम होगा, तो जब स्लोप कम है, सो दोनों को अगर एक साथ प्लॉट कीजिएगा, सो कैसा प्लॉट करेंगे देख लो, एकदम देख लीजिए, क्योंकि कन्वर्जन देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या फिर मान लीजिए आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो उसमें अगर कर्व को, एक कर्व को दूसरे कर्व में अगर कन्वर्जन दे दिया, एसटी को बीटी में, बीटी को एसटी में, सो ये सब कॉन्सेप्ट काम का है, ठीक है। सो देखिए यहां पर कैसे होगा, सेम ग्राफ में अगर प्लॉट करना है, सो इट इज टी, इट इज एस, ठीक है। इसका प्लॉटिंग करोगे, सो इट इज व्हाट, थीटा टू, टेन थीटा, थीटा इज लेस देन टेन थीटा वन, सो इसका स्लोप कम है ना ऊपर वाले से, है ना। सो देखो इसको अगर प्लॉट करोगे, सो स्लोप इसका कम है, सो दिस इज, सो अगर इसको हम लोग बोल देंगे हाफ 80 स्क्वायर, सो अगला क्या हो जाएगा, दिस इज, दोनों ही पैराबोला है बच्चों, ठीक है, दोनों ही पैराबोला है, बट दिस ग्राफ, ये वाला जो है, इट इज एस इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, और ये जो ग्राफ है ना बच्चों, दिस इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर का, देख लो सेम पॉइंट पर, अगर मानो सेम टाइम टी वन के लिए अगर हमने टेंजेंट प्लॉट किया इस पॉइंट पर, सो देख लो, टचिंग द कर्व, जट से इट इज थीटा टू लिए थे ना, सो दिस इज थीटा टू, ठीक है। और सेम टाइम पर जब इस कर्व का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ज्यादा है ना, तो क्या हो गया, इसका स्लोप बड़ा हो गया ना, बिगर। सो इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं दोनों को, दोनों ही पैराबोलिक नेचर का है, बट दोनों का पोजिशन अलग अलग आएगा, ठीक है। सो ऐसा टी एस, दिस इज हाफ 80 स्क्वायर है ना, और ये वाला हो गया यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। सो याद रखिएगा, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपके काम का है, सो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम वीडियोज लेके आपके लिए आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।